Hi guys, I'm back in another video. You are watching your channel Bajis Parrots Information, जहां मैं लेके आती हूँ आपके लव बर्ड्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज भी मेरी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्पेशल है आप सबके लिए। तो आज का मेरा टॉपिक है फिंचेस से रिलेटेड। मैं आज बनाने वाली हूँ उन पे वीडियो कि किस तरह से आप उनसे फास्ट ब्रीडिंग ले सकते हैं, किस तरह से आप उन्हें नेचुरल चीज़ें दे सकते हैं। मैं आपको बताते चलूँ व्यूवर्स के जो हमारे फिंचेस हैं ये सही फूडी बर्ड्स होते हैं। इनकी डाइट का हमें प्रॉपर ख्याल रखना पड़ता है। हर चीज़ इन्हें अगर हम टाइम पे प्रोवाइड करेंगे तो ही हम अच्छी ब्रीड ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं तो हमें कोई और नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए आपने उन्हें कौन कौन सी ऐसी डाइट्स देनी है वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, और कौन सी ऐसी डाइट्स हैं कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियंट साबित हो सकती हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड लेने के लिए, और उसके साथ साथ उनकी हेल्थ के लिए और उनके चिक्स के लिए। आपका अपना टाइम वेस्ट किए बिना ही हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। नंबर वन पे जो डाइट है वो तो आप जानते ही हैं, एग फूड। एग फूड आप वैसे भी अपने बर्ड्स को अगर दे रहे हैं तो मैं आज बात करने वाली हूँ कि आपने किस तरह से देनी है और कितनी क्वांटिटी रखनी है। तो व्यूवर्स, अगर आप पहले कभी कभार या हफ्ते बाद एक बार उन्हें एग फूड दे रहे हैं, लेकिन इस बार आपने क्या करना है कि हफ्ते में 3 बार अपने फिंचेस को आपने एग फूड लाजमी देनी है। ये आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपके बर्ड्स को प्रोटीन मिलता है, जिससे आपके बर्ड्स बहुत जल्दी ब्रीडिंग की तरफ आते हैं, हेल्दी होते हैं। उसके साथ नंबर 2 पे आप अपने बर्ड्स को, फिंचेस को क्या देंगे, बॉयल राइस। बॉयल राइस भी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, आपने बहुत ज़्यादा उन्हें बॉयल नहीं करना। आपने तकरीबन 1 कसर में जिसे रखते हैं हल्का सा अच्छे से बॉयल करके और उन्हें थोड़े से कपड़े में फैला देना है, खुश करना है और फिर अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। नंबर 3 पे व्यूवर्स आप अपने बर्ड्स को देंगे भिगोई हुई रोटी। आपने रोटी को किस तरह से भिगोना है ये मैं आपको बताऊंगी। अगर आप उसको ठंडे पानी में भिगो के अपने बर्ड्स को देते हैं तो आपके बर्ड्स को फ्लू भी हो सकता है, कफ कोल्ड कुछ भी ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने अपने बर्ड्स को जब भी रोटी भिगो के देनी है सर्दियों में, तो आपने सिर्फ गर्म पानी में भिगोना है। रोटी की तासीर गर्म होती है और ये एक बहुत ही अच्छी और हेल्दी डाइट है आपके बर्ड्स के लिए। फिंचेस इसे बहुत खुश होकर खाते हैं, मीन्स उनकी फेवरेट डाइट भी है। तो आप क्या करेंगे, जब भी आपने रोटी भिगोनी होगी आप गर्म पानी में भिगोएंगे और अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करेंगे। वो रोटी नरम भी हो जाएगी और आपके बर्ड्स इजीली उसे खा भी लेंगे और डाइजेस्ट भी करेंगे। उसके बाद नंबर 4 पे आपने जो अपने बर्ड्स को डाइट देनी है वो है पालक। पालक एक आपको हर जगह से आसानी से मिल सकती है और इसमें वफर मकदार में आयरन पाया जाता है। तो आयरन आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने बर्ड्स को अगर बड़ा पत्ता दे रहे हैं तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आप अपने बर्ड्स को जब पालक प्रोवाइड करें वो खा चुके हों तो आप वो वहाँ से हटा दें, नहीं तो आपके बर्ड्स क्या करेंगे कि वही पत्ते उठा के अपने बर्ड्स के केज में या मटकी में लेके जाना शुरू कर देंगे और उसे नेस्टिंग करना शुरू कर देंगे। जो कि अगर आपकी फीमेल ने एग्स ले किए हुए हैं तो ठंडे पत्ते उस पर जब वो रखेंगे तो आपकी जो फीमेल हैं या जो एग्स हैं केज में पड़े वो ख़राब हो जाएंगे, तो भी आपको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप वो फ़ौरन से पत्ते जब आपकी चिक्स खा लें, बर्ड्स खा लें, अब फ़ौरन से निकाल दें। उसके बाद जो आपने अपने बर्ड्स को देने हैं, जो व्यूवर्स अपने बर्ड्स को एग शेल्स देते हैं, तो आपने अगर अपने बर्ड्स के लिए एग शेल्स रखे हुए हैं, थोड़ा पाउडर फॉर्म में नहीं दे रहे आप वैसे ही डाल देते हैं, जो बड़े बड़े पीसीज हैं आपकी जो बर्ड्स हैं वो खा लेते हैं, जब छोटे पीस रह जाते हैं जब उनका पेट भर जाता है तो वो उठा के भी वो अपने केजेस में लेके जाना शुरू कर देते हैं। उससे भी आपके बर्ड्स को बहुत नुकसान होता है, मीन्स कि उनके जो एग्स होते हैं उससे भी ख़राब हो जाते हैं। तो आप यही करेंगे, उसको पाउडर फॉर्म में बारीक पीस लें। एक तो आपके बर्ड्स के लिए खाना बहुत आसान है, इजीली आप किसी भी सॉफ्ट फूड में ऐड करके अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जस्ट पाउडर उनके सामने रखेंगे तो वो खा लेंगे, नहीं, आप उनकी किसी भी फेवरेट डाइट में डाल के दे सकते हैं। जैसे कि चावल है, आप बॉयल्ड राइस अपने बर्ड्स को दे रहे हैं, आप उस पर थोड़ा सा पाउडर छिड़क दें। अगर आप एग फूड दे रहे हैं तो आप उसमें एग शेल्स ऐड कर दें। एग शेल्स आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जानते हैं कि एग शेल्स में वाफर मकदार में कैल्शियम मौजूद होता है जो आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बर्ड्स को प्रोटीन और कैल्शियम एक ही वक्त में एक ही साथ देंगे तो आप सोचें कि कितने ज़्यादा फायदे होने वाले हैं आपको। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी वीडियो आज के फिंचेस के बारे में। होपफुली आपको बहुत पसंद आई होगी और आप जान पाए होंगे कि आपके बर्ड्स के लिए कौन कौन सी डाइट ऐसी ज़रूरी है और जो उन्हें लाजमन देनी है। पालक, एग, राइस, गंदम वाली रोटी, ये आपने रूटीनली अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि मैंने बताया कि एग फूड आपने वीकली 3 बार अपने बर्ड्स को देना है, एक वीक में आप 3 दिन अपने बर्ड्स को एग फूड लाजमी देंगे। होपफुली फिंची से रिलेटेड जो भी बातें मैंने आपसे कही आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि मेरी वीडियो से भी फायदा हासिल कर सकें।
मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।